देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से जनता की सेवा कर रहा है। अभिनेता सोनू सूद ने हजारों लोगों को अपने ही खर्च पर उनके घर भेजने की व्यवस्था की, तो अनेक अभिनेताओं ने पीएम केयर में अपना योगदान दिया, किसी ने भोजन की व्यवस्था की। इसी तरह से अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने का फैसला किया। जब देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा तो उन्होंने भी संक्रमित लोगों की देखरेख करने का फैसला लिया। करीब 100 दिनों से वे मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ट्रामा हॉस्पिटल में वॉलंटियर नर्स के रूप में काम कर रही हैं। शिखा मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस दौरान वे हॉस्पिटल में मरीजों के सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। फिल्मों में आने से पहले शिखा मल्होत्रा ने नई दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग से नर्सिंग की डिग्री ली थी। शिखा का कहना है कि यह मेरी तरफ से देश के लिए मेरा योगदान है, जब देश को इसकी ज़रूरत है। शिखा ने कहा कि वे पिछले 3 माह से मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रही हैं। शिखा मल्होत्रा ने अभिनेता संजय मिश्रा के साथ लीड रोल में फिल्म कांचली में अभिनय किया है। यह फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म है। DNX TV रायपुर।